Hey guys, what's up? Welcome back to my channel. This is your boy Sachin Mann. And this is your girl Khushi Gadvi. और आज हम करने वाले question and answers आपके सारे questions के answer करेंगे. बहुत सारे questions हैं, 10 से 20 questions जो couples के होते हैं. बहुत सारे लोग आप पूछते भी रहते हैं, उनमें से काफी सारे कुछ और भी questions हैं जो usually couples answer करते हैं. तो आज हम क्वेश्चन एंड आंसर खेल रहे हैं. आपको इसमें सारे के सारे आपके क्वेश्चंस के आंसर, हमारे बारे में जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सब के आंसर्स मिल जाएंगे. सो स्टे ट्यून्ड गाइस. तो गाइस बिना लेट करे शुरू करते हैं. डेफिनेटली लेट्स स्टार्ट. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज हु मेड द फर्स्ट मूव. फर्स्ट मूव किसने किया था डेटिंग के लिए? तो वो तो मैं ही हूँ, मैंने ही फर्स्ट मूव किया था इसको. मुझे नहीं लगता कि ये चीज बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग होनी चाहिए, बिकॉज़ आई थिंक जनरली यू नो मेकिंग अ मूव इज ऑलवेज इन अ बॉयज किटी. ऐसा नहीं है, आजकल गर्ल्स भी करती है एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट. इफ यू लाइक समवन यू शुड ऑलवेज गो एंड टेल, बट इन आवर केस मैं नहीं किया था. मतलब कॉमन नहीं है, ज्यादातर लोग लड़के ही करते हैं. लड़के तो सारे दिन इंस्टाग्राम पे डीएम ही करते रहते हैं लड़कियों को, और कोई काम ही नहीं होता वैसे भी. इट हैज बिकम एन डेटिंग ऐप, यू नो. इंस्टाग्राम तो अब डेटिंग ऐप ही है, अनलेस यू आर एन इन्फ्लुएंसर और समवन यू नो हु इज जस्ट मेंटेनिंग एवरीथिंग. अदरवाइज जब तक तुम्हारा वर्क रिलेटेड काम के लिए तुम इंस्टाग्राम नहीं यूज कर रहे, तब तक तो इट्स डेटिंग ऐप ओनली. मतलब आई थिंक नॉट ओनली इंस्टाग्राम, बट आई थिंक एनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म. स्नैपचैट तो सबसे ज्यादा फेमस ही उसके लिए है. व्हाट्सएप पे तो जब बन जाती है बात तब WhatsApp खेलते हैं लोग, वीडियो खेलते हैं, वीडियो कॉल. मतलब वीडियो कॉल हमने भी बहुत खेला, बहुत सालों तक खेला हमने, और अभी तक खेल रहे हम. मैं तो वीडियो कॉल तो आई थिंक नॉर्मल कॉल ही नहीं करते हम तो, है ना. वीडियो कॉल जब भी हम दूर होते हैं तो वीडियो कॉल ही होता. Who said I love you first? ये भी मैं ही हूँ भाई, ये तो आप लोगों को पता है. उससे भी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. Who is the better driver? ऑब्वियसली मैं. अबे भाई इसको लाइसेंस किसने दे दिया, मैं तो ये हैरान हूँ. लड़की क्या है बात कर रही है, ये वो वाली लड़की है जो स्कूटर होता है ना, स्कूटर को पैर से रोकेगी. पागल है क्या है? अरे नो नो, ये अगर है पापा की परी. नहीं नहीं, I tell you whatever. नहीं, देखो मैं टू बी ऑनेस्ट, if he wants to brag about himself then it is a different story. नहीं, चलो मैं अब सच्ची बात, but I am definitely a good driver मैं मानता हूँ. अब सच्ची बात पे आऊँ तो नहीं, मैं अगर तुम्हें सच्ची बात पे आऊँ तो वैसे टू बी ऑनेस्ट मैंने 100 लड़कियां देखी हैं गाड़ी चलाते हुए, उनमें से सबसे बेस्ट यही चलाती है, ट्रस्ट मी ऑन दैट. मतलब एक्चुअली क्या होता है, लड़कियां ना पजल हो जाती हैं, या मोस्टली काफी सारी लड़कियों को मैं देखता हूँ ना पैनिक हो जाती है कोई भी चीज होती है, ये जल्दी से पैनिक नहीं होती ड्राइव करते हुए. तो उस चीज में मैं मान रहा हूँ ये बाकी लड़कियों से सच में बेटर ड्राइवर है. आई मीन लाइफ आई एम अ वेरी एक्सीलेंट ड्राइवर गाइस. तो छोटे से छोटी जगह पे मैं ट्रक पार्क कर सकती हूं एकदम परफेक्टली. क्या ट्रक पार्क कर सकती हूं? एनीथिंग यू मेक मी ड्राइव एनीथिंग, आई कैन ड्राइव एवरीथिंग एंड ट्रस्ट मी आई एम अ वेरी गुड ड्राइवर. ये होता है बस ईगो, तुम्हें लग रहा है कि तुम कर सकते हो, बट ऐसा नहीं है. अच्छी चलाती है मान लिया, बट ऑब्वियसली बेटर तो मैं ही माना जाऊंगा ना, बेटर आए हम. बेटर तो मैं ही हूँ, चर्चा का विषय है. चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन. इसमें कोई चर्चा का विषय नहीं है, आई एम द बेटर ड्राइवर. वो ये भी मानते हो तुम, बेटर नहीं बेटर. अगर तेरी मेरी हम दोनों रेस लगाएं या एक सिटी से दूसरी सिटी में पहुंचे तो वही तो माना जाता है बेटर ड्राइवर. मैं ही ड्राइवर माना जाऊंगा, बेटर ड्राइवर मैं हूं. मैं मान रहा हूं, आई एम नॉट रेसर, बेटर ड्राइवर पर मैं. ओके चलो उसको चलो अब आ जाते हैं. हु इज द मेसियर ईटर, मतलब जो ज्यादा गंद मचाता हो खाते हुए, वो मैं हूँ. चलो मैं मान रहा हूँ, कोई नहीं, क्योंकि मेरे को भाई बहुत मेरे को बहुत हुआ, वरना डिबेट करता इस पे भी. जो सच बात है मैं फैक्ट्स के साथ होता हूँ हमेशा. ड्राइव मैं ही बेटर ड्राइवर हूँ वो भी मैं मानता हूँ, और मैं ज्यादा खाने में गंद मचाता हूँ वो भी मानता हूँ, क्योंकि खाता भी बहुत ज्यादा हूँ भाई इससे. रेसर की बात नहीं चल रही यहाँ पे, कौन अच्छी रेस लगा सकता है. अगर रेस लगाने की बात करेंगे तो इसने बहुत गाड़ियां ठोक रखी, आपकी गाड़ियां बर्बाद भी कर रखी इसने. मैंने आज तक ठोकी हुई गाड़ी? अरे भाई गिरते हैं सह सवार मैदान जंग में, वो तिफिल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चलेंगे. ड्राइवर बेटर मैं हूँ, मैसियर ईटर भी मैं ही हूँ, जो ज्यादा गंद मचाता है वो मानता हूँ, खाता भी मैं इतना ज्यादा हूँ. मेरी डाइट ऑब्वियसली मेरी खुराक इससे बहुत ज्यादा है, ये क्या ही खा लेगी, जरा सा खाती है वो तो मुझे अच्छा लगता है, वो ज्यादा खाता है, आई लाइक इट.
हमने तो दोनों में से किसी को डांस ही नहीं आता पहली बार हम दोनों भयानक डांसर हैं हम आपस में ही डांस कर सकते हैं बस एक दूसरे के हाथ पकड़ के थोड़ा क्लब में जाके बोतल वोतल बस शैंपेन खोल ली उतना कर सकता हूँ Who's more patient? किस में सबर ज़्यादा है? पता नहीं हम दोनों में ही नहीं है सबर तो शायद नहीं सचिन में ज़्यादा है मेरे में ज़्यादा मैं ज़्यादा बढ़िया हूँ ज़्यादा अच्छा हूँ ज़्यादा मैच्योर हूँ ज़्यादा गुड लुकिंग हूँ चलो ठीक है Who has the last say in an argument? Who has the last say in an argument? मारो मुझे Who has the सीधी बात खत्म Who has the last say in an argument? मतलब last say किसका होता है argument में पता नहीं यार ये ना बड़ा दुविधा का विषय है इसको तुम रहने दो argument जब होती है तो मैं बताता हूँ क्या होता है usually argument होती है usually argument होती है तो मैं चाहता होता हूँ as a mature person के argument ना हो तो मैं क्या करता हूँ मैं बात ही नहीं करता हूँ थोड़ी देर तक थोड़ा शांत हो जाता है मामला मैं ट्राई करता हूँ मामला शांत हो जाए अगर हो जाता है तो भी ठीक है नहीं होता है तो फिर तीन दिन के बाद होता है पर होता है तो ये है सच्चाई कभी भी नहीं होते इस बार हुआ था बस एक बार हुआ था लाइफ में फर्स्ट टाइम हुआ था ये ठीक है कि ये दूसरे रूम में सॉरी मैं दूसरे रूम में तीन दिन तक फर्स्ट टाइम चलो कोई नहीं अब आते हैं हु इज मोर स्टबर्न जिद्दी ज्यादा जिद्दी तो यही है इसको बहन मतलब भाइयों और बहनों इसको जो भी चाहिए इसको चाहिए इसको कहीं जाना है तो इसको लेके जाओ इसको खाना है तो इसको चीज मंगा के दो जिद्दी बच्चा है ये मेरा ये I'm नखरे वाली because I have नखरे उठाने वाला बक कितनी चीजी लाइन मार रही हो चीजी है बट सच यही है Who has the craziest family वो तो भाई इनका खानदान बहुत क्रेजी है I love them मतलब पूरे टाइम ही हंसते ही रहती है पूरा दिन भाई सुबह से लेकर शाम तक क्या ये एडिट था ये एडिट था राइट क्रेजियर फैमिली किसकी है भाई इनकी फैमिली में सारे क्रेजी हैं मतलब अंकल थोड़े स्ट्रिक्ट टाइप के हैं पर बाकी तो सारे ही क्रेजी हैं आंटी बहुत ज्यादा शरीफ है पर इसकी बहन भी क्रेजी इसका भाई भी क्रेजी यार इसका भाई क्या बात करते हैं पूरा दिन इसका भाई और इसकी बहन इसका भाई और इसकी बहन क्या करते हैं वीडियो कॉल भाई मैं तो थोड़ी होता है 30 दिन में मैं अपनी बहन से तीन बार बात करता हूं ये और इसका भाई सुपर क्रेजी अगर इफ दैट इज क्रेजी क्रेजी इज अबे ये इसका क्या है ये हंसते रहते हैं बिन बात के अच्छा छों अपना गुजराती में खंचू खान छा मेरा खंचू खा खा कर कर के हंसते ही रहते हैं भट बंदा मैं बात क्या हो रही है बात तो बताओ दैट्स गुड ना दैट्स गुड राइट ही एडिटेड दिस आई एम टेलिंग यू गाइस ओके ही एडिटेड चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं हु इज ऑलवेज राइट कौन हमेशा सही होता है वुमेन आर ऑलवेज राइट गाइस मानना पड़ जाता है ना कि वुमेन आर ऑलवेज राइट आई वाज वेटिंग वुमेन आर ऑलवेज राइट इसका नाम मोबाइल में चेंज बेबी को हटा के लिखते हैं फॉक्स लिखते हैं इसका नाम भाई सच बात बोलूं हम तो सच बात बोलते हैं अच्छी अपने आप लग जाती है फॉक्सी हम सच बात बोलते हैं अच्छी अपने आप लग जाती है फॉक्सी रखेंगे फॉक्सी अब आ जाते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है Who is more romantic? Obviously me. Men are, कोई भी मैं ये मानता हूँ लाइफ में ही कि मैन ही हमेशा रोमांटिक होते हैं लड़कियों से ज्यादा क्योंकि मैन आर वे मोर रोमांटिक देन वुमेन आई ऑलवेज बिलीव इन दैट उसका एक बहुत बड़ा रीजन भी मैं मानता हूँ पर वो चर्चा का विषय हो जाएगा इसलिए छोड़ देते हैं बट ट्रस्ट मी मैन आर ऑलवेज मोर रोमांटिक देन अ वुमेन उसका चलो एक सिंपल लाइन में आंसर देता हूँ वुमेन लव अंडर द प्रेमिस मैन प्रोवाइड्स एनी काइंड ऑफ वैल्यू कुछ भी हो सकता है चाहे वो मनी हो चाहे वो लुक्स हो चाहे वो एनीथिंग हो चाहे वो फिजिकल हो कुछ भी हो मैन कैन लव अ वुमन अनकंडीशनली उसके पास कुछ भी ना हो ऑफर करने को तो भी मैन कैन लव मतलब मैं जनरल बेस पे बोल रहा हूँ एज अ वर्ल्ड पॉपुलेशन पे सो दैट्स व्हाई आई बिलीव मैन आर मोर रोमांटिक और हमारे रिलेशनशिप में भी आई एम मोर रोमांटिक ये चर्चा का विषय है हाँ तो वो लंबा टॉपिक हो जाएगा पॉडकास्ट करेंगे उसके लिए आई डोंट वांट टू गेट इनटू इट बट ये उसके लिए हम कभी पॉडकास्ट करेंगे दो चार कपल को जोड़ के इस टॉपिक पे क्योंकि ये बहुत चर्चा का विषय है सच में एंड आई वांट टू एनलाइटन पीपल ऑन दिस टॉपिक हु फेल इन लव अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं हु फेल इन लव फर्स्ट प्यार में कौन पहले पड़ा था
ये तो हम दोनों में से किसी को नहीं पता, मैं खुशी को आंसर करने दूंगा इसका। आई थिंक हिम एंड ही हैज सो मेनी गुड क्वालिटीज विच आई नेवर स्पोक अबाउट एंड नेवर आई हैड यू नो अ डिस्कशन विथ एनीवन अबाउट दिस एंड आई थिंक वो भी सरप्राइज होएगा अगर मैं इस चीज पे अगर कोई ब्लॉग क्रिएट करूँ तो। बट इफ आई हैव फॉलन इन लव विद सचिन देर आर 1000 रीजंस एंड दे आर ऑल सो ब्यूटिफुल एंड अब मुझे देखो मत और वरना वो बिल्कुल हवा में चढ़ जाएगा। बट इनडीड ही इज द बेस्ट मैन ऑन द प्लैनेट। एंड आई चलो बेबी क्या चाहिए तुम्हें। आई मीन दिस he fell in love first but I fell in love with his all the qualities which he holds for me and there is much more. मेरे एक व्लॉग में इसे रिवील करूंगी फॉर श्योर, करूंगी अपनी भावनाएं आप लोग को बताऊंगी why हमारा रिश्ता इतना खूबसूरत है, why we are together for so many years. बस मेरी जान रोना नहीं है। नहीं नहीं I wanted to share it with audience because we are anyway you know a public figure, so but there are a lot of things and why we have this you know this strong bond. I want to put the nazar battu here. I love you. पिछले क्वेश्चन से ही रिलेटेड हो गया ना आंसर भी, देखा इसलिए सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। Who's more annoying when they are hungry? Obviously ये भूखी रह ही नहीं सकती है, ये भूखी भी नहीं रह सकती है, ये सोए बिना भी नहीं रह सकती है। मतलब हु इज मोर, अगर क्वेश्चन हो ना हु इज मोर अनोइंग व्हेन दे आर स्लीपी, वो भी यही है। मैं स्पार्टन हूँ भाई, मैं तो स्पार्टन हूँ, मतलब मेरे को दो दिन तक तुम खाना मत दो, दो दिन तक सुलाओ मत, मैं जॉम्बी की तरह जगा रह सकता हूँ। ये इसको टाइम पे खाना ना मिले या टाइम पे नींद ना मिले, इसका नहीं बन पाता। नहीं खाने में भी यू आर नॉट एडजस्टेबल, तुमको एसिडिटी, तुम्हारी बॉडी भी साथ नहीं दे पाती, एसिडिटी हो जाएगी इसको, दिक्कत हो जाएगी। आई डोंट थिंक आई एम अनोइंग बिकॉज़ फॉर आवर्स एंड आवर्स आई स्टे हंग्री एंड यू नो वी मैनेज द शूट वर्क लॉट ऑफ थिंग्स। आई मीन वही बात आ गई उम्र की, जब तुम काम कर रहे हो तो तुम्हें याद ही नहीं है, बट जब तुम्हें भूख लग गई है तब तुम सबसे जल्दी अनॉय हो सकती हो, खाने में भी और ना नींद मिलने में। नींद इज डेफिनेटली माय थिंग, आई मीन यू नो इफ आई हैव नॉट स्लेप्ट मेरे आसपास के सभी को ट्रबल हो सकता है मेजर। Who's the homebody in the relationship? मतलब जो ज़्यादा घर पे रहता हो, घर का पे रहना ही जिसको ज़्यादा पसंद होता हो relationship में, obviously her, she is more of a homebody. I stay in the house so much unless I have a work and unless we are traveling and unless I am with my family or something, then only I like to roam around. मुझे घूमना ही पसंद है सिर्फ मेरे अपने लोगों के साथ। Basically हमारी जो most चीज़ ही यही होती है कि 24 घंटा इसको चाहिए, मैं इसके पास इसके रूम में घर में इसको चिपक के पड़ा रहा हूं। मेरी लाइफ में एज अ रिलेशनशिप में नहीं नहीं ऐसा नहीं मुझे चाहिए पूरा टाइम, नहीं बोल रहा मैं, बट मैं बोल रहा हूं कि मेरे से जो इसको सबसे ज्यादा, तुमको एक सच बात बताऊं तो मेरे से जो इसको सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है ना लाइफ में वो ये होती है कि तू घर पे बैठ के मेरे साथ चिपका रहे। बेकार बोल रहा है, ये सच बात है। मेरी सिर्फ ये एक रिक्वायरमेंट होती है कि वो मेरी आंखों के सामने होना चाहिए, वही हो गई बात। चिपका हुआ रहना है मेरे यहाँ रहे वहाँ रहे, तू अपना काम कर मैं अपना, मतलब काम भाई ना कि इसको, पर मेरी आंखों के सामने तो वो होना चाहिए। वही मेरी रिक्वायरमेंट होती है कि इसको रहता कि बस तू पूरे दिन घर पे मेरे सामने बस मेरे को दिख जाए, या कहीं जा भी रहे हैं तो साथ में ही, मतलब वही चीज में मैं बात बता रहा हूँ कि होम बॉडी के हिसाब में, कि मैं पर फिर भी जैसे कोई मेरे को काम आ गए, मेरे बिजनेस का रिलेटेड कुछ हो गया, या मेरे दोस्त आ गए, कुछ भी हो गया, या मेरी सोशल चीज के लिए मैं चला गया, तो मैं ज्यादा बाहर जाता हूँ, शी इज मोर ऑफ अ होम बॉडी, ये मैं बोल रहा हूँ। एंड जब भी हम जाते हैं इसको जाना होता है तो हम हमेशा ही साथ में होते हैं, नहीं तो कभी घर पे जा रहे होते हैं तो अलग बात। हु इज मोर स्पॉइल्ड, अगला क्वेश्चन, हु इज मोर स्पॉइल्ड, ऑब्वियसली ये मेरे को तो जिंदगी में स्पॉइल जिसने किया था वो मेरे पापा थे बचपन में, उसके बाद से मेरे को कोई स्पॉइल, मैं स्पॉइल्ड हुई मेरे को मुझे लगता है ये बहुत स्पॉइल्ड है। मैं स्पॉइल्ड कैसे हूं भाई, ये बहुत स्पॉइल्ड है इन दैट केस, मतलब ये अगेन जैसे कि मैंने बोला ये चर्चा का विषय हो सकता है, बट आई थिंक आई एम स्पॉइल्ड बाय माय फादर, आई एम क्वाइट अ स्पॉइल्ड बॉय जो कि बचपन से, इवन आंटी फॉर दैट मैटर, इवन आंटी आल्सो,
बहुत ज्यादा उसे लाड़ प्यार करती है उसको, मतलब नहीं, पर तब भी सबसे ज्यादा स्पॉइल यही है भाई, इसको इतना ज्यादा मैं स्पॉइल करता हूँ जिसकी कोई हद नहीं। ये मुझे करता है डेफिनेटली, पर मुझे लगता है कि इसको ज्यादा लोग मिलके करते हैं, मतलब जैसे अंकल भी आंटी भी, और मुझे लगता है मैं खुद भी इसको बहुत स्पॉइल करती हूँ मैं। हाँ, मेरे को बहुत ज्यादा, सारे बंदे मतलब इवन मेरे दोस्त भी मेरे को बहुत स्पॉइल करते हैं, मतलब ये सब, ये हम सब मेरे आसपास में जो भी है ना वो मेरे को इतना ज्यादा प्यार करते हैं क्योंकि मैं इतना ज्यादा अच्छा आदमी हूँ। क्या करूँ चर्चा का विषय है ये। मेरी माँ मेरे को इतना प्यार करती है, मेरे पापा मेरे को इतना प्यार करते हैं, मेरी बहन मेरे को बहुत प्यार करती है, पर मेरे को एक्सट्रीम लेवल पे प्यार मिलता है मेरे दोस्तों से भी। मेरे दोस्तों को ऐसा लगता है कि तू नहीं है तो हम मिल ही नहीं रहे, मतलब पांच मेरे दोस्त है समझ लो, चार मेरे दोस्त है, बन्नी हो गया, ये अपना साहिल हो गया, और हो गए सारे, गोपी हो गया, कोई भी मेरे जितने भी दोस्त हैं वो मैं नहीं होता उनको लगता है कि चल छोड़ यार अभी नहीं मिल रहे, तो वो उतना लेवल पे मेरे को प्यार करते हैं, मेरे सारे ही मेरे को बहुत प्यार करते हैं, तो हाँ मैं हूँ बढ़िया। आई थिंक मुझे तो ऐसा लगता है कि हम लोग उसको डेफिनेटली ज्यादा, पर जैसे मैंने बोला ये सब चर्चा का विषय है, और पर डेफिनेटली हम बहुत सारे लोग मिलके इसको ज्यादा प्यार करते हैं, तो मुझे लगता है ये हमारा प्यार ही समझ लो, स्पॉइलिंग समझ लो जो। तो गाइस अगला क्वेश्चन है, हु लाइज मोर, कौन ज्यादा झूठ बोलता है? ये मैंने कब झूठ बोल दिया? ये बहुत झूठा आदमी है भाई, बहुत झूठा है, मैंने कब झूठ बोलता है और उसको मालूम होता है कि मुझे मालूम है, मेरी ना इमेज बिगड़ रही है, मैंने देख लिया है यूट्यूब पे सोशल मीडिया पे, रीले भी ऐसी बनती है जिसमें मैं गंदा नेगेटिव आदमी हूँ, यूट्यूब में भी ये बोल रहे हो ये झूठ बोलता है, अभी कोई प्रोजेक्ट जो आ रहे हैं उसमें भी ये मेरे को नेगेटिव दिखा रहे हैं, मेरा को तुम नेगेटिव बना दोगे मेरे को लग रहा है, गलत बात है ये, वेरी रॉन्ग, झूठ बोलता है और ऐसे झूठ बोलता है और उसको मालूम होता है कि मुझे मालूम है तो भी मेरे सामने देखेगा, हंसता रहेगा और झूठ बोलता रहेगा, इतना झूठा है भाई, भाई मेरी ना एक आदत है सच में, मैं ना हंस देता हूँ, बहुत झूठा है यार ये, मैं मेरे साथ ना सबसे ज्यादा झूठ बोलता है आंटी के साथ मेरी, हाँ मम्मी को तो मैंने सारी जिंदगी सिर्फ झूठी बोला है, मेरी मम्मी कितनी देर में आ रहा है बोला 5 मिनट में, मैं आ रहा हूँ 3 घंटे बाद, मम्मी आज आ रहा है घर, आज आ रहा हूँ, आ जाऊंगा 1 हफ्ते बाद, मेरा मम्मी के साथ तो अलग है, और मेरी मम्मी है CID CBI क्राइम ब्रांच कुछ भी बोल लो, उनको वो क्या करे, मेरी भी स्टोरी देख लेंगी, मेरे सारे दोस्तों को उन्होंने फॉलो कर रखा है, सबकी स्टोरी देख लेंगी कहाँ है क्या कर रहा है रात में, मैंने बोल रहा हूँ मम्मी मैं बाहर आया हूँ, मैं ना प्लेस्टेशन खेल रहा हूँ बन्नी के घर पे, मतलब हम प्लेस्टेशन खेल रहे हैं, मैं किसी दोस्त के घर पे प्लेस्टेशन खेल रहा हूँ, मेरी मम्मी स्नैप स्नूप कहीं ना कहीं से किसी तीसरे चौथे पंचवें बंदे की स्नैप में देख के बोल देगी, नहीं तू तो कहीं गाड़ी पे बैठ के कुछ कर रहा है, मेरी मम्मी बहुत CID है, आई थिंक शी इज जस्ट अ मदर एंड शी इज जस्ट वरीड बिकॉज़ ऑफ हिज लव यू मम्मा यू नो बैड जो भी इसकी बैड हरकतें है या कर्मा जो भी इसने करे है फालतू चीजें जो करी है इसने, कर्मा मेरा बैड नहीं है, मैं अपने लिए कुछ गलत खा लूं या गलत पी लूं मेरी मर्जी है, मुझे बहुत ही मतलब रीजनेबल लगता है ये सब, नहीं आई डू नॉट प्रमोट एनी काइंड ऑफ बैड बिहेवियर तो मेरा है ही नहीं, मैं बहुत शरीफ आदमी हूं, नहीं आंटी आई नो यू आर लिसनिंग एंड आई योर कंसर्न। तो गाइस चलो अभी लास्ट के एक दो क्वेश्चन रह गए हैं, बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है वो खत्म कर लेते हैं। व्हाट वाज द मोस्ट डेयरिंग थिंग यू डिड ऑन अ डेट? ऐसा मैंने डेयरिंग काम क्या किया था डेट के ऊपर? मैंने भाई इतने डेयरिंग काम करे ना तुम जो कर नहीं पाओगे कभी जिंदगी में, ट्रस्ट नहीं होता है। तो इसका मैं आंसर कर नहीं सकता पब्लिकली, बट मैंने बहुत डेयरिंग काम करे और मैं बहुत वर्ल्ड घूमा हूँ, ट्रस्ट मी ऑन दैट। उसने इतनी डेयरिंग करी थी ना तुम नहीं कर पाओगे, छोड़ो यार छोड़ो, तो मैं नहीं, तुम नहीं कर पाओगे, नहीं, बस बता दिया मैंने, तुम सोच सकते हो बस वहां तक, वो चीजें मैं कर चुका हूँ तो इस काम को तुम रहने दो। डिड यू एक्सपीरियंस रेन ऑन योर डेट? हाँ बहुत बार, हम तो गए इसलिए हैं कि बारिश हो गई आज तो डेट पे चले गए, आई थिंक लास्ट नहीं दो चार हफ्ते पहले की बात है, हमने देखा बहुत बढ़िया मौसम हो गया, मेरे को बोल रही है कि अभी दिल्ली में थे हम, तो जैसे ही बारिश होती खुद से प्लान कर लेते हैं पूरा सारा कुछ के, चलो अब यहां फटाफट से चल लेते हैं, इसी चक्कर में मेरा कटिंग हो नहीं पा रही है, मैं बल्कि करके गेनिंग ही हो गया हूँ, गेनिंग ही रह गया है, बंदा 2 साल से गेनिंग ही कर रहा है, कोई मिलता है बंदा बोलता है भाई एब्स कहां गई, भाई 2 साल से गेनिंग ही चल रही है अभी, पर सच में अब कटिंग शुरू हो गई, आप लोगों को कटिंग के व्लॉग मिलते ही रहते होंगे, तो ट्रांसफॉर्मेशन चल ही रही है, जिम के व्लॉग भी आप देख ही रहोगे, बहुत जल्दी आ जाएंगे ऐप्स। आज का व्लॉग इतना ही रखते हैं गाइस, ज्यादा बड़ा हो जाएगा, कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, कल और मजे करेंगे।